न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति सेंट्रल एवेन्यू सेक्टर 2 द्वारा पिछले 39 वर्षों से गणेश उत्सव का आयोजन बड़े धूमधाम से सफलतापूर्वक किया जाता रहा है। इसी कड़ी में इस 40वें वर्ष में भी गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार की थीम एक पेड़ माँ के नाम पर है, जिसकी आकर्षक झांकियां बनाई गई है। ये झांकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण के आह्वान के अनुरूप है। न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष श्रीनिवास राव ने कहा कि इस बार भिलाई विद्यालय सेक्टर 2 के पास न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति सेक्टर 2 द्वारा हर बार की तरह इस बार भी आकर्षक व भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जीवंत करते हुए पर्यावरण संरक्षण की थीम पर भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। पंडाल बनाने में ट्री वेस्ट से लेकर पत्तल व चटाई जैसी वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है। ये देखने में बेहद ही आकर्षक इस पंडाल में 16 फीट के गणपति विराजमान है, जिनकी शनिवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रतिष्ठा की गयी। जय श्री गणेशा। इस बार न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष जी श्रीनिवास राव जी के द्वारा इस पंडाल का ये थीम है एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम इसलिए बनाया गया है क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी पूरा एनवायरनमेंट को मतलब बहुत प्रदूषण कर रही है, तो इस बार के अध्यक्ष के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जंगल में जो पेड़ हैं उसे लगाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और इस बार अध्यक्ष द्वारा ये भी किया गया है कि एक छोटे छोटे पौधे हर एक पर्सन को दिया जाए। हर एक इंसान अगर एक पौधा भी लगाता है तो एनवायरनमेंट में बहुत फ़ायदा होता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग वृक्ष ना काटें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएं, ताकि एनवायरनमेंट हरियाली भरे रहे और उससे हमारे बहुत फ़ायदे रहे। इन 10 दिनों में बप्पा की सेवा की तो कोई भी मतलब कमी नहीं रहेगी। इस बार इस पंडाल में सबसे पहले तो हमारी वन देवी का दर्शन होगा, उसके बाद वन देवता दर्शन देंगे एंड थर्ड स्टेज में हमारे बप्पा श्री गणपति बप्पा वो दर्शन देंगे। शहरवासियों को मैं ये बताना चाहूँगी कि जो वृक्ष हैं, जो सूखे पत्ते लोग जला देते हैं, हम उससे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हमारा समिति इस बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम सूखे पत्ते, जो सीड्स हो गए, जो वेस्ट जो लोग फेंक देते हैं, हम वो सारी चीज़ों को पंडाल बनाए, थर्माकोल का यूज़ ही नहीं किया है इस बार। आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप सब हमारे इस पंडाल को विज़िट करें, एक बार बप्पा के दर्शन करने आइए ज़रूर। सेक्टर 2, मेरा नाम सोनल है, आप सभी आइएगा। ठीक, सोनल 2 मिनट।